नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। हरियाणा विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने पढ़े शोक प्रस्ताव। हरियाणा विधानसभा सत्र में वीरवार को सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़े गए और सदस्यों ने सदन में दो मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना की। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले सत्र के अंत से लेकर इस सत्र के आरंभ तक की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए देश के राजनेताओं, हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों, हरियाणा के शहीदों और हरियाणा विधानसभा सदस्यों के निकट संबंधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी पार्टी की ओर से शोक प्रस्ताव पढ़े। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़े और विधानसभा सदन में दी गई श्रद्धांजलि व शोक प्रस्तावों को शोक संपत्त परिवार के पास पहुंचाने का आश्वासन दिया। सदन के सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट। शोक प्रस्ताव 8। ये सदन हरियाणा विधानसभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती सरोज के 16 अक्टूबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जनवरी 1961 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 9। ये सदन रोहतक जिले के स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती कलावती के 20 सितंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 10। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल विनय कुमार यादव, गांव नूमसर, जिला भिवानी; लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यदीप डांडा, गांव भगाना, जिला हिसार; उपनिरीक्षक शशांक रावत, पलवल; सहायक उपनिरीक्षक प्रेमचंद, गांव बहादुरपुरा, जिला कुरुक्षेत्र; नायब सूबेदार अशोक कुमार, गांव लडरावण, जिला झज्जर; हवलदार दीवान सिंह, गांव आनावास, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार दीवानचंद, गांव बस्सी अकबरपुर, जिला करनाल; नायक सतीश, गांव नंगला, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही जगमीत सिंह, गांव बड़तौली, जिला कुरुक्षेत्र; सिपाही भूपेंद्र सिंह, गांव रानीला बास, जिला चरखी दादरी; सिपाही कुलविंदर सिंह, गांव अंधेरी, जिला अंबाला; सिपाही श्री भगवान, गांव दातोली, जिला चरखी दादरी; सिपाही कुलदीप, गांव बौंदकला, जिला चरखी दादरी। यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 11। ये सदन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया की माता श्रीमती परवारी देवी, सांसद श्री धर्मवीर सिंह के ससुर श्री शुभराम, विधायक राव दान सिंह के भाई राव रामपाल, विधायक श्री सुभाष सुधा के भाई श्री रमेश सुधा, विधायक श्री जगदीश नायर के भाई श्री राजवीर सिंह नायर, विधायक श्री घनश्यामदास अरोड़ा के भाई श्री राधेश्याम, विधायक श्री बलबीर सिंह की सास श्रीमती कमला देवी, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश महाजन के भाई श्री हंसराज महाजन, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री जिलेराम शर्मा के पिता श्री इंद्राज शर्मा, पूर्व विधायक श्री शेरसम बड़सामी की भाभी श्रीमती प्रकाश कौर तथा पूर्व विधायक श्री गंगाराम के पोते श्री मोहित कुमार के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। विधायक श्री विशंबर वाल्मीकि की सास श्रीमती रोशनी देवी का भी स्वर्गवास हुआ है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।